खबर की ओर, भिवानी रोड अंडरपास का निर्माण कार्य रुकने के रोष स्वरूप रविवार को आसपास की कॉलोनियों के लोगों व्यापारियों ने धरना दिया। धरने का नेतृत्व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला प्रधान महावीर कंप्यूटर ने किया। मंच का संचालन हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के उप प्रधान आईडी गोयल ने किया। महावीर कंप्यूटर ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि भिवानी रोड अंडरपास का निर्माण कार्य पिछले लगभग 2 वर्षों से रुका हुआ है, लेकिन शासन व प्रशासन, रेलवे विभाग तथा जिंद विधायक इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। भिवानी रोड अंडरपास का निर्माण कार्य रुकने के संबंध में महावीर कंप्यूटर ने कहा कि आसपास की कॉलोनी वासियों का दम घुट रहा है, यहाँ के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। शासन व प्रशासन तथा रेल विभाग की नाकामी की वजह से बिना गेट की जेल बन गई है और यहाँ के सिवरेज तथा बरसाती नाली लगभग 2 वर्षों से बंद पड़े हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अंडरपास आगामी आंदोलन की ठोस रणनीति बनेगी और यह आंदोलन जारी रहेगा। धरने पर निर्णय लिया गया है कि आगामी 4 अगस्त रविवार को घासीराम धर्मशाला में बैठक आयोजन किया जाएगा, जिसमें आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस मौके पर बीएस गर्ग, राकेश सिंगल, डॉक्टर रजनीश जैन आदि ने धरने का समर्थन किया। जिनसे संजय कुमार की जो भिवानी रोड का अंडरपास है 2 साल से पेंडिंग पड़ा है और लोग इतने तंग हो चुके हैं, यहाँ आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। काफी लोग यहाँ हजार आदमियों का यहाँ से बैंगलोर से आवागमन था और यहाँ व्यापार भी बिल्कुल चौपट हो गए। कॉलोनी वासी इतने तंग है, नाले बंद है, बिल्कुल मच्छर बीमारी फैलने की आशंका है और कॉलोनी वासियों की राय फिर भी धरना दें, तो आज इसलिए हम धरने में बैठे हैं और गुंडीदारी सरकार को, रेलवे प्रशासन को, जेल प्रशासन को और सत्ताधारी नेताओं को जगाना चाहते हैं, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीनने से मिलते हैं। आपने पहले हमारे आंदोलन देखे होंगे, हम निस्वार्थ भावना से लोगों के लिए आंदोलन करते हैं, हमारी इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं होता और इसलिए कड़ी गर्मी में हम बैठे, कितनी कड़ी गर्मी है और जब तक ये कार्य शुरू नहीं होता, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज धरना है, 1 दिवसीय 2 बजे तक हमारा धरना चलेगा, उसके बाद आगामी जो भी रणनीति बनेगी, हमारे कॉलोनी वासी है, बालू की बस्ती है, अजमेर बस्ती है।